हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरे ब्लॉग चैनल पे। आज संडे है तो सोचा दोबारा ब्लॉग शूट करूं, क्योंकि जब से मैंने सोचा डेली ब्लॉग करूं कोई ना कोई दिन स्किप हो जा रहा है किसी न किसी कारण से। बट मैं सोच रहा हूं कि अब डेली ब्लॉगिंग कर ही लूं, जैसा भी थोड़ा बहुत जितना भी है। तो आज देखते हैं पूरे दिन भर में क्या होता है। संडे, वैसे भी संडे बोले तो फंडे, तो देखते हैं आज क्या क्या फ़न होते हैं और फन का बिल्कुल अपोजिट होता है। लेट्स सी क्या क्या होता है। जो भी ऐसा है, सभी सो के उठे हैं और ये यहाँ बैठी है बिल्कुल नींद में। क्या कहती है तू भी? ये भी हमारे घर पे एक पार्सल आया था, कुरियर आया था। हमारा नहीं, किसका है फिर? ये है श्रेया के पापा और मेरे चाचा के दोस्त का, यानी कि श्रेया का ही हुआ है एक तरीके से। हैं, यहाँ कोई सज रहा है, सवर रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, पीछे मुड़ेगा नहीं वो। और ये बहुत समझदार बच्चे हैं, ये बिस्तर में खाते हैं और एक पजामा देखो इनके बेचारे के पाँव में लगी है। क्या खा रही है तू? ओ, अंग्रेजा वाला नाश्ता है, मैकरोनी और ऑमलेट। वाह 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 वाह, तो इस श्रद्धा के पीछे हेयरबैंड टंगे हुए, चाची का चश्मा और हेयरबैंड। तो अभी कुछ ऐसा है, आज संडे, सब देर में उठे। देर में तो क्या ही उठे, 7 बजे तक उठ ही गए थे। चाची कितने बजे उठी आप? हैं, कितना लेट? 7 बजे आम देगा चाची, धो रही आम। कितने रुपए किलो हो रहे? 40। दूर से बना को आम चाची, आम चाची और श्रद्धा के फेवरेट है। हाँ वो देखो, सबसे बड़ा पकड़ रही है, बहुत चालू है। अम्मा का भी फेवरेट है ना दिन का, बाहर है ना, बाहर से मारा। आज शाम को मम्मी को खाना नहीं बनाया। क्यों? मम्मी जल्दी थक गई ना यार। तो दिन का खाना बाहर क्या, रात का? दोपहर में क्या आएगा? दोपहर छोले भटूरे। ये सब कैमरा ऑन कैमरा है, बाद में पकनी खिचड़ी है। ये सब जुमले हैं। नहीं देख ले रहा है। आज तो आपके लिए ये तो वैसे भी खाना नहीं। आज तो पैकिंग वैकिंग करोगे फिर आप? तो चाची जा रही है समर वैकेशन में बहुत दूर घूमने विद फैमिली। आपको बंदर दिखाऊंगा हमारे घर में, पता नहीं बंदर कहाँ से आया है। ये सुबह सुबह आ गया दुकान में, कुछ लेने जा रहा हूँ। तो चाची आपको कुछ मंगाना है मुझसे? इतने नोट, इतना बड़ा नोट, ये 10 का नोट है। अब पता नहीं इसमें पूरी दुकान लाऊंगा या क्या ही लाऊंगा। 10 के तो के लिए 10 का कुछ ले आइए। अभी अंडा ऑमलेट खाया इन्होंने, बंदर कुछ लाना है। ये मेरे अम्मा, मैं बता देता हूँ अम्मा क्या कह रही है। अम्मा कह रही है बंदर ही हो चुकी हूँ, तुम बोलो या मत बोलो। ये खैर जोक सपाट, अम्मा बेचारी परेशान है अपने हालातों से, जूझ रही है दिन पे दिन। हाँ ये देखो, इसे कहते हैं बहू, इसे ये होती है बहू, संस्कारी बहू वो भी। अपने लिए दूध वो सब लेने आया था, ये दूध वगैरह। आज का मौसम, ओ धूप कितनी है। तो श्रद्धा आप आम खा रही हो और आपके पाँव में चोट लगी है, वो कैसा लग रहा है? और आपने इतना झूठ बोला उसके बाद कैसा लग रहा है आपको? प्राउड 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 फील हो रहा है आपको? यस।
ये सिद्धा की चोट। दिन भर खाते रहते हैं। दिन भर खाते रहते हैं। क्या खाते हैं दिन भर? अच्छा ये बात है। ये क्या खाती है? डेयरी मिल्क, सस्ती डेयरी मिल्क। अभी मैं और श्रद्धा कैरम खेल लें। आज श्रद्धा ने बहुत टाइम बाद कैरम निकाला है। चलो भाई स्टार्ट करो। फर्स्ट टाइम नहीं लिया है? फर्स्ट टाइम नहीं लिया। ठीक है चल फर्स्ट दे दी। स्टार्ट कर, कोई सी भी कर ले, मुझे कोई सा भी दे दे। ठीक है। अबे वो कहाँ है? क्या कहते हो? तो इससे ही खेल लेगी। लोग निकल चुके हैं छोले भटूरे लेने। आ सकता सड़क, आज इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी है, पूछो मत। देखो कितनी धूप चमक रही है दूर से ही। गाड़ी के अंदर इतना गर्म हो रहा है ना। सीट जल गई। हैं? सीट जल गई। सीट जल गई? ये बम जल गए? रुक जा भी, एसी चल रहा, ठीक हो जाएगा। एसी की हवा गुजर गई। अब सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं। पहले सीट बेल्ट लगा ले सद्दा। सीट बेल्ट मेरे पास। लगा ले, लगा ले, लगा ले। बेटा जब कोई किसी को लगती है तो देख के लगती है कि बच्चे को लग रही है, बड़े को लग रही है? मैं कहाँ से लगती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं खाली पीछे वाली लगा लेती। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इतनी धूप है, इतनी धूप है, एसीओ की फटी पड़ी आवाज़ देने में। हमारी गाड़ी का एसी तो दे ही नहीं पा रहा है, तब भी कोशिश है बेचारे की ठंडा कतरा दिए दिए दिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग यार हो सकता है बहुत ही गर्मी हो, बाहर दिन में बाहर निकलने में तो ऐसा हो रहा है, पता नहीं कहाँ ही जवाब है। अभी थोड़ी थोड़ी एसी हवा देने की कोशिश कर रहा है बेचारा। एसी भी कितनी हवा दे देगा। गर्मी महसूस नहीं हो रही है क्योंकि अभी हम कार के अंदर हैं, वरना ये जो लोग बाहर ये धूप में हैं उनको तो बड़ी तेज गर्मी लग रही होगी। हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पे। अभी यहाँ से उठाते हैं छोले भटूरे। चल भाई आ जा। चल भाई, तो फाइनली हमने छोले भटूरे ले लिए। ये हमारे छोले भटूरे। आओ भाई सिद्धा। तो चलो इसे पहले पीछे डाल देते हैं। तुझे दोनों टाइम गर्मी लगी गाड़ी, क्योंकि क्योंकि गर्मी ही इतनी है। तो दोस्तों आज दिन भर ऐसे ही बिजी शेड्यूल था मेरा दोबारा से। तो अभी मैं और दीपक थोड़ा बाहर निकले घूमने के लिए, थोड़ा नोएडा की आपको रातें दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं, रात दिखाते हैं, रात दिखाओ नोएडा का। यहाँ कैसी सड़कें हैं? कैसी सड़कें हैं यहाँ पे? अच्छी सड़कें हैं, योगी सरकार ने अच्छा बनाया। योगी नोएडा पैदा ही अच्छा था। हाँ ये तो कह सकता है, योगी सरकार ने नहीं बनाया नोएडा, पैदा ही अच्छा हुआ था भाई। इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, बीजू लोग उठा सकते हैं? उठा लो भाई उठा लो, इनको अमेरिका से कॉल आ रहा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन का। जो बाइडेन का फोन आ रहा है, जो बाइडेन कह रहा है कि ट्रंप जो है वो हमें इलेक्शन में गिराने की कोशिश में है, कि अमित शाह जी से बात करवाओ हमारी। भारत के चाणक्य वो कह रहा है, अमित शाह जी से बात करवाओ कि इलेक्शन में बने कैसे रहते हैं 10-15 साल तक। तो दोस्तों ये है नोएडा, ये नोएडा का फ्लाईओवर।
अच्छा सा यार बाइडन साहब का फोन आ रहा है। बाइडन साहब उठा लो, बाइडन साहब को मना करना पड़ेगा, अमित शाह जी व्यस्त हैं। उठा लो बाइडन साहब का फोन। हेलो हेलो, हाँ ये थोड़ा कमल भाई जो है, हेलो हेलो, मैं बाद में करता हूँ, कमल भाई थोड़ा व्लॉग शूट कर रहे हैं अपना। कल कराता हूँ तो मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। किसका फोन था? जो बाइडन साहब का आ रहे हैं फिर इंडिया को दौरे पे। वो मुझसे कह रहे थे कि आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करा हुआ है क्या, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा आप क्या करें, आप परेशान इतना कर देते हो। फोटो खिंचवाओगे यहाँ पे? फोटो के शौक रखते नहीं हम, आपको पता ही है, हमें तो सिर्फ पेट का शौक है, खाने का शौक है, आपको पता है। तो अच्छे अच्छे व्यूज दिलवाओ और फोटो दिलवाओ। तो मैं अपने फॉलोअर्स से, अपने जो फैंस है मेरे, मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो पर्सनल फैन है दीपक के, जो मेरे पर्सनल फैंस हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कमल भाई को लाइक सब्सक्राइब और क्या होता है, शेयर शेयर करें। और ये सामने वाव मोमो जो स्टार्टअप था, स्टार्टअप ही स्टार्टअप है, इंडिया में बचा क्या है, कुछ जो चल जाते हो। नोएडा की ये देखा, नोएडा देख क्या तगड़ा बना रखी बिल्डिंग इन्होंने, बैक कैमरा। मैं कहता हूं भाई नोएडा पैदाइशी तगड़ा है, एक तगड़ा बना रखा पेंटिंग हर चीज की, ढंग से आ नहीं रहा, हमें थोड़ा अच्छा वाला कैमरा यूज करना पड़ेगा। लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते, अब लोग ये करेंगे, आगे वीडियो फैलेगी, पैसा आएगा, तभी तो महंगा कैमरा लेंगे। वही तो, पहले कैमरा आएगा फिर गिर रहा है। भाई गिर गया, खो गया कैमरा, मेरा सच्ची में खो गया यार।